मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, जैसे आप कुछ बोलते हैं ना कि पनीर वैसा नहीं बनता जैसे मार्केट में बनता है, तो दूध को जैसे बॉईल हो जाए ना, दूध बॉईल जैसे उफान ऊपर आने लगे उस टाइम इसमें कुछ खट्टी चीज़ डालनी चाहिए, और खट्टी चीज़ डालने के बाद एकदम से पानी इसका अलग हो जाना चाहिए, और जो जो पनीर पनीर है हमारा जैसे दूध फटेगा तो वो वाला अलग हो जाना चाहिए अच्छे से। इसके डालने के बाद भी उसको बॉईल आने देना है, जैसे मैं अभी इसमें दही डालूंगी क्योंकि मेरे पास और कुछ खट्टा है नहीं, आपके पास जो भी खट्टी चीज़ होगी तो वो आप इसमें डाल सकते हो। तो मैं जैसे अभी इसमें डालूंगी ये दही, तो इसको मैं पता क्या, ये देखो ये बॉईल हो रहा है ना, एक्चुअली बॉईल होके बाहर पहले भी चला गया और अब दूसरी बार बॉईल होने लग गया, तो अभी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है दही। तो अब जब ये बॉईल होगा ना, इसको बॉईल होने दूंगी अच्छे से, मतलब अभी भी इसके बाद भी इसको बॉईल होने दूंगी। पता क्या करना चाहिए, अब इसको छेड़ना नहीं चाहिए, मतलब इसमें कोई भी ये नहीं लगाना चाहिए, अभी कड़छी वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी मैं, तो अब इसको फटने देंगे अच्छे से, ठीक है। अब इसको अच्छे से फटने देंगे, चाहे आपकी फ्लेम बिल्कुल लो रखनी चाहिए जब ये फट रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ना अच्छे से फट चुका है, ये देखिए बिल्कुल पानी इसमें रहा है और ये भी अच्छे से बॉईल होने लगा है। तो अब ये हो टाइम है, ये पनीर बन चुका है, अभी मैं इसको बंद कर दूंगी। और उतने टाइम तक मैंने यहाँ पर बाल्टी को भी प्रिपेयर कर लिया है, बाल्टी के ऊपर मैंने लगा लिया है दुपट्टा, उसमें मैं डालूंगी पनीर को। और मैंने ना इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाला था, एक ढक्कन जो छोटे वाला होता है, ताकि ये ज़्यादा अच्छे से फट सके। तो ये देखिए मेरा पनीर इतना सा हुआ है ये, और अब मैं इसको अच्छे से, जब बाद में ना इसको बांधना और इसमें जो वजन है ना वो एकदम से बराबर रखना चाहिए, तो आपका जो पनीर है वो मार्केट की तरह बनेगा और वो गलेगा भी नहीं जैसे एकदम से, जैसे घुल जाता है ना घर वाला पनीर एकदम से। मैंने देखा है घर पे बहुत सारी वीडियो देखी है मैंने पनीर बनाने की, वो पनीर वैसा नहीं बनता, तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको बना करके भी कैसा बना है मेरा पनीर, और बहुत सारी वीडियो में मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने पनीर को प्लेट पे रख दिया है और इसको भी गांठ मैंने लगा दी है। अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर लूँगी ये वाली प्लेट और इसको मैं इस तरह से रखूँगी, देखो इस तरह से रखूँगी, ठीक है। अब इसके ऊपर जहाँ पे ये जो आप देख सकते हो ना पनीर मैंने रखा है, यहाँ पर हमने वजन रखना है, और ये वजन अगर इक्वल रहेगा, आप वजन ज़्यादा रखोगे तो पनीर आपका ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो जैसे मैंने देखिए यहाँ पर ये कुकर ले लिया है और ये 5 लीटर का है, तो इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी, ठीक है। तो ये अच्छे से, फिर ये हिलना नहीं चाहिए, बस इसके ऊपर ये पूरा आना चाहिए। देखो आज आज मौसम एकदम से कड़ाके वाली धूप का है, मैं अभी शिवा को स्कूल से लेकर के आ रही हूँ, बस अभी तक मेरा लंच नहीं हुआ है, चलो चलो जल्दी, लंच मैंने बना दिया है लेकिन हुआ नहीं है, मेरे साथ एक और बच्चा भी है मेरे पड़ोसियों का आकर्ष, तो वो तेज भाग रहा है आगे, शिवा चलता नहीं है, मैंने उन दोनों के बैग उठाए, धीरे धीरे चलो मेरे, ये देखो कितना जल, हाँ वो देखो चला गया आगे, जल्दी चलो और आराम से चलो बच्ची, स्नेक का खतरा होता है आजकल ना, तो साथ में चलो बुआ के, ठीक है। हाँ तो तभी बोल रही हूँ मैं, हाँ कहीं भी हो सकता है, आप चलो साथ में चलना चाहिए इसलिए बड़ों के साथ में। वेरी गुड, आपने तो उतार दिए फास्ट, शिवा उतारो जल्दी से, सूज उतारो, वेरी गुड। अब इन दोनों का खाना वगैरह हुआ और अब दोनों बॉल खेल रहे हैं यहाँ पे, बस मैंने जगह सेलेक्ट की है क्योंकि यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है, ये कहीं भी बॉल फेंक रहे हैं, इधर उधर नहीं जानी चाहिए ना, ओके। हाँ वेरी गुड, टेस भी पहुँच चुकी है और आज इसका स्पोर्ट्स मीट था स्कूल में, तो ये बहुत कुछ लेके गई थी घर से, एक्चुअली बोला था इनको कि वेदर वेदर हुई पढ़ाई, तो आपको तब करके बोला था ना इसको, इसने वैसे स्कूल बैग नहीं ले जाना था, इसको बोला था कि अगर वेदर ठीक रहेगा तो तब होगा, अगर ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अगर रेन होगी तो कहाँ होगा, तो फिर पढ़ाई करनी पड़नी थी, इसलिए बोला था। तो बता क्या क्या जीती बोल रही है, सुन लो पहले, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं तेरी वीडियो बनाऊंगी पहले, बोले आपको पछताना है कि इसमें जीती, बोले मैं जीती अंश रही थी, मैं जीती हूँ हारने के रिकॉर्ड में। मैं तो कल से बोल रही थी पछताओगे, सुन लो भाई, हारने के रिकॉर्ड में किसी किसी में भी नहीं जीत पाई, कुछ भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं म्यूजिकल चेयर में जीत जाती पर अंशिका ने चीटिंग करके पहले मैं बैठ गई थी चेयर पर, अंशिका ने मुझे धक्का दिया फिर वो बैठ गई, फिर अंशिका जीत गई,
वो अभी नहीं जीती तो वो भी हार गई, वो भी किस में जीती है तो और किस में? रेस में? रेस में कैसे हार गई भाई? रेस में गई थी, भागी नहीं पाई। बस क्यों नहीं भाग पाई? भागी मैं हाँ? मैं बहुत भागी, पूरी मेहनत से भागी, लेकिन खुद थी तो मैंने पता क्या बोला हाँ? दो ही लेंगे सिर्फ हम, और मैं आउट हो गई। थर्ड नंबर पे थे आप? ओहो, तो आपको फर्स्ट कौन आया फर्स्ट? ओहो, तो वो है तो है, इतना सुकड़ था उसको। लड़कों को भी साथ में दौड़ाया? लड़कियों को भी? लड़कियों लड़कियों की नहीं थी? लड़कों नहीं, लड़कियों लड़कियों की थी ना, लड़कों लड़कों की थी, तो लड़कों में तो अर्जी जीता, लड़कियों लड़कियों में कौन जीती? थर्ड नंबर पे आई नंदिनी, बेस्ट फ्रेंड है दोनों। और म्यूजिकल चेयर तो बता ही दिया, बस यही थे तीन ही। थ्रेड नील ड्रेस मैंने धागा, वो सुई का छेद बड़ा था, मैंने एक बार धागा घुसाया, वो धागा फिर से निकल गया, फिर मैंने फिर से घुसाया, उतने में सोनाक्षी दौड़ी, मैं भी दौड़ी, सोनाक्षी और मैं साथ में पहुंच गए, फिर पता नहीं क्यों मैम ने मुझे निकाल दिया, फिर से निकाल दिया आपको? सोनाक्षी और मैं साथ में पहुंचे थे, बराबर पहुंचे थे दोनों। ओ माय गॉड, ये मैम ने बोला आप निकल जाओ, फिर सोनाक्षी इतनी सी है उसको लिया, मैं इतनी बड़ी हूँ मैंने को लिया नहीं। अच्छा, जो जीतता है बच्चे, टीचर नहीं करते चीटिंग, जो जीतता है उसी को लेते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी तब, तो कोई बात नहीं, तो हार हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब नहीं होगी, अगले साल होगी। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, सुबह के पास तो कितने सारे मेडल हैं, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। एक ही तो है, हाँ? एक ही तो क्यों, एक सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज भी तो था आपके पास, बहुत कुछ है। तो कोई बात नहीं, इसमें रोते नहीं है, रो करके लेना है तूने, ऐसा सोचो मैंने मेहनत नहीं की होगी, नहीं तो कमी रह गई, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना चाहिए कि मेरी मेहनत में कमी रह गई, कमी रह गई तभी तो नहीं हो पाई है ना, किसी और ने ज्यादा मेहनत की वो निकल गया। देखो शिवा को क्या हो गया ये छूट गई, छूट गई तो अभी शाम हो गई है, शाम का कितना टाइम हो रहा है, 6:37 हो गए। पूजा में क्यों आ रहे हैं? हाँ, मैं गाना गा रही थी, आनंद कर रहे हैं, आनंद फनी फनी कर रहे हैं, हंसाने की कोशिश अपने बच्चों को बाहर चल। किसको दुपट्टा ले आई है? स्कूल में ही रखा है, ले आई जो 3 लाख ड्रेस के लिए लेके गई थी। हाँ, मेरा यूज ही नहीं हुआ, दुपट्टे की लाज नहीं तूने रखी, मेरा यूज ही नहीं हुआ। आप नहीं होंगे हुए 3 लाख ड्रेस में? किसका हुआ? यूज हुआ पर साक्षी ने निकाल दिया दुपट्टा। साक्षी और आप थे दोनों? साक्षी और मैं थी। अच्छा, जोड़ियां बना के रखी थी? F1, F2। अच्छा, ठीक है, अभी बारिश बंद हो गई है ना? D1, D2। बारिश हो गई, अभी बंद है नहीं। अभी शिवा को और सुबह क्या कर रही है? सुबह काट रही है भिंडी, साथ में कर रही है। मम्मा, आज मैं आई कुक बोलो। आई वांट टू कुक। आज मैं बनाऊं? हाँ। मैं फोन पे देख रही कि बना लूंगी। क्या? नहीं तो माफ कर, काट दे भिंडी। मैं काट रही हूँ अभी भिंडी, मेरी भिंडी इतनी कट चुकी है और यहाँ पे इसकी कलियाँ हैं, और मैंने लाइटर बीच में रख दिया है ताकि फिर इधर इस साइड ना जो इसका ऊपर का वेस्ट पार्ट होता है वो आ जाए और इस तरफ खाने वाला पार्ट आ जाए। तो खाने वाला पार्ट ऑब्वियसली ज्यादा ही दिख रहा है क्योंकि इसे कट करते हैं हम, और अभी मैं कट भी जल्दी जल्दी करूँ। कितनी फनी चीज है, मैं 10 गिनने से पहले पहले फिनिश कर दूं, मैं रोने लग जाऊं। जल्दी पियो, जल्दी फिनिश करो, जल्दी पियो, गुड पियो, वेरी गुड, जल्दी पियो, मैं रोने लग जाऊंगी फिर से, जब मैं ज्यादा रोऊंगी अब जल्दी पियो, पूरा फिनिश कर दो, पूरा फिनिश कर दो, जल्दी जल्दी पियो, वेरी गुड, गुड के मुंह पे दूध लगा है, जल्दी पियो, आज सुनी कर रहे हैं यार, गुड के मुंह पे दूध लगाया तो साफ करो पहले,
मैं ज्यादा घूमूंगी, पी नहीं रहा ढंग से। और देखना मगर बस क्या सुबह बंद करो। ये क्या कर रहे हो शिवम? आपकी बात नहीं सुनता है तो गर्दन ऐसे ऐसे करने की जरूरत है? नाच रहे हो, डिस्को कर रहे हो? जल्दी पियो, जल्दी जल्दी पियो, नहीं तो मैं ज्यादा रोती रहूंगी। ज्यादा पियो और ज्यादा। पता चल जाएगा कि आखिर पिद्दी बच्चों को दूध कैसे पिलाया जाए, तो देख ही सकते हैं कितने घंटा पूरा सुबह वेस्ट करता है लड़का। ये करोगे तो 5 मिनट में पी लेगा। बड़ी मशक्कत करके मैंने इन भैंसे को दूध भी लाया है। सुबह भी ये बहुत नखरे करता है, मतलब सुबह इसको दूध भी लाना आफत हो जाती है मुझे। तो अभी तो इसने पी लिया, इसे ड्रामे करके ड्रामे करने पड़े मुझे इसके लिए, क्योंकि बच्चों को दूध बहुत जरूरी होता है और पहले ही अच्छे से पीता था दूध, लेकिन अब इसको पता नहीं क्या हो गया। वहाँ पे सुबह भी सो गई है। चलिए अभी मैं सुबह आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है और मैं नहीं चाहती सुबह उठ जाए, अभी बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और जो मैंने पनीर आपको दिखाया था ना, उसको मैं सुबह अभी निकाल रही हूँ। ये मेरी गांठ इतनी पक्की लग गई थी ना कि थोड़ी देर लगभग अगर 4-5 मिनट मुझे इस गांठ को खोलने में ही लग गए। सुबह का टाइम बहुत कीमती होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पनीर बिल्कुल एकदम से बिल्कुल हार्ड वाला बना है, वैसे वाला नहीं जैसे एकदम से जो जैसे हम पकाएंगे और घुल जाएगा। मैं दिखाऊंगी भी आपको अभी बना के। तो मैं यहाँ सोच रही थी कि बच्चों को टोमेटो चीज़ देती हूँ, उनको बहुत पसंद होता है खाना, तो बस मैं वही बना रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो पीसेस कट किए हैं उनसे आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैंने परांठे के लिए भी रख दिया है और थोड़ा सा ये मेरा पनीर बना है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ना मैं जा रही हूँ अभी दूध लाने, और आज मुझे ज़्यादा नीचे तक जाना पड़ेगा, सुबह सुबह का टाइम है। देखो फ्लावर की दुकान सुबह सुबह लग गई, लगभग 15 मिनट में यहाँ पे खड़ी रही तब जाके दूध, और इतनी धूप है ना अभी, ट्रैफिक भी इतना हो गया 15 मिनट में, क्योंकि सुबह सुबह इतना ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन अब देखो ट्रैफिक। यहाँ पे ना लाइटें लग गई है अब, अदरवाइज ये बहुत डरावनी लोकेशन थी। सो भाई अभी मैं घर पहुँच के ना शाम भी हो गई है मुझे, और इस ब्लॉग को मैंने ख़त्म नहीं किया था तो सोचा अभी ब्लॉग को ख़त्म कर लेती हूँ। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपका मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।